मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीते 21 मई को रचना की शादी भूपेंद्र से होने वाली थी और दुल्हन के रिश्तेदार और परिजन जोर शोरों से दूल्हे और बारातियों के स्वागत में लगे थे और तय समय पर बारात आई और लड़की वालों ने उसकी अगवानी कर दी, लेकिन स्टेज पर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी में बारातियों ने जमकर डांस किया, लेकिन रात की 3 बजे शादी के फेरों से पहले दूल्हा किसी बात से नाराज होकर विवाह स्थल से भाग गया और जैसे यह जानकारी लड़की के परिजनों को हुई तो उन्होंने दूल्हे की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उन्हें वो कहीं नजर नहीं आया और दुल्हन के पिता ने दूल्हे को फोन लगाया तो वो दहेज की मांग करने लगा और दूल्हे के परिजनों के द्वारा कुछ नगद रुपए और वॉशिंग मशीन की मांग की गई, लेकिन लड़की के पिता ने लाख कोशिशें की मगर बात नहीं बनी और इससे खफा होकर दूल्हे के परिजन बिना बहू के ही बारात वापस ले गए। जी हां, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी से खबर सामने आ रही है, जहां अगले दिन 22 मई को लड़की के परिजन थाने पहुंचे और शिकायत करवाया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे एवं उसके परिजनों के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।